हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम DIY। आज ये ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन बताएंगे कैसे होते हैं इस 4440 बोर्ड के साथ। इसमें दोनों भी IC 4440 लगी है, इसके कनेक्शन और इसके कनेक्शन पूरे समझा दूंगे आज। ब्लूटूथ पैनल को अगर ऐसे देखें, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ANT लिखा हुआ है जो FM एंटीने के लिए वायर जाएगा। इसके बाद में R लेफ्ट आउट ग्राउंड और R आउट, उसके बाद इधर ग्राउंड और 5 वोल्ट, ऐसे कनेक्शन होंगे। अभी इसको वायर जोड़ के फिर दिखाता हूँ। तो देखिए इसके वायर के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, जैसे आपको बताए थे। ये पीला और हरा ये 5 वोल्ट सप्लाई के लिए है, जो कि पीला वाला 5 वोल्ट के लिए जाएगा प्लस के लिए, और हरा माइनस के लिए जाएंगे यानी कि GND। उसके बाद में ये जो 3 वायर है, ये ऑडियो सिग्नल आउट होगा इससे, जो कि इस बोर्ड में जाएगा 4440 में। इसमें कहाँ जाएगा देखिए, ये GND लिखा है, GND का वायर GND में जाएगा। ये इन ये L और ये R लेफ्ट एंड राइट इन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इन के वायर जाएंगे। इसका मतलब ये जो पैनल के जो ये 3 वायर है, ये तीन वायर जाएंगे यहाँ पर। जो पहला वाला वायर है वो ये इन पर लगेगा यहाँ पर, और जो बीच वाला वायर है वो ग्राउंड पे लगेगा, और जो लास्ट वाला वायर है वो दूसरे इन पर लगेगा, आर पर इन पर। चलो तो जोड़ के दिखाते हैं। इसका पहला वाला वायर इसके पहले ही इन पर गया एक चैनल पे। जो बीच वाला GND है वो GND पे जाएगा, जो लास्ट वाला था वो दूसरे चैनल के इन पे जाएगा। ये हमने कनेक्शन कर दिए। उसके बाद जो ये दो वायर जो बचे हैं, ये पैनल को इससे सप्लाई जाएगा। इससे देखिए यहाँ पर एक 7805 एक छोटा सा IC लगा हुआ है, जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देगा आगे। इसका पहला पिन जो है इनपुट रहता है, दूसरा ग्राउंड और तीसरा आउटपुट। तो तीसरे पिन पे अपना येलो वाला वायर लगेगा। इसका ये जो येलो वायर है ये 5 वोल्ट तीसरे पिन पे लगेगा। ये देखिए ऐसा पकड़ के, देखिए पहली दूसरी और ये तीसरी, ये तीसरी पिन यहाँ से लेकर के यहाँ पर गई है, और ये GND जो है इसके सेंटर वाले पिन पे गई है, मिडल पिन पे यहाँ से लेकर ये यहाँ गई है। चलो कनेक्शन कर लेते हैं।
चाहे कोई भी ऐसी एम्पलीफायर हो, होम थिएटर बोर्ड हो, सभी में सेम ही कनेक्शन होंगे, ऐसे ही होंगे, सब में एक ही जैसे कनेक्शन होंगे। इसको ऑन करेंगे, इसको सप्लाई देंगे 12 वोल्ट का, जो कि ये जो डायोड लगा हुआ है ये वाला, इसके इधर साइड से, यानी कि जिधर से पट्टी नहीं है वो साइड पे हम प्लस 12 वोल्ट देंगे। और जो माइनस का वायर है वो, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, इसके जो ये जो लाइन दिख रही है माइनस वाले तरफ से लगाएंगे। स्पीकर कनेक्शन कर लेंगे, और यह हमारा 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, इससे हम मुझे 12 वोल्ट दे देंगे। चलो हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, देखिए पैनल भी ऑन हो चुका है। अभी हम NCS म्यूजिक प्ले करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये जो पैनल मैंने कहाँ से खरीदा है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं।